तो गाइस आज है PMBase का लास्ट डे एंड आज के मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ टीम्स के लिए, तो पहले वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, गेम वर्ल्ड इज हियर एंड वेलकम बैक टू द अनदर न्यू न्यूज वीडियो। तो गाइस PMBase में क्या ही हो रहा है, कल हमें अगेन एक और लाइव बैन देखने को मिला जो कि आप देखो के जमा के बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके पास बहुत बढ़िया वो जो एरिया है वो। एंड गाइस इस बैन के बाद हमें बहुत सारे एंग्री रिएक्शन देखने को मिले, लाइक क्लच कोड ने अपनी स्टोरी में कुछ ये लिखा, ऐसा लगता है कि क्राफ्टन को कोई फिकर ही नहीं है, इन फाइंडिंग न्यू टैलेंट वी सर्वाइव विद चीटर्स, और जो प्लेयर्स यहाँ तक हैग ना अगर पहुंचे हैं उन्हें भी बैन करना चाहिए। मैं इस गेम को लगभग 6 साल से खेल रहा हूँ। When I start, it was about winning international playing against the best to become the best but new। और गाइस इसी सेम बैन पे गोल्ड डिवाइन ने भी रिएक्ट किया एंड इस पे कुछ ये लिखा, आ जाओ अगेन प्लेयर बैन लाइव टूर्नामेंट इस नॉट दिस बिकमिंग लिटरली अ जोक प्लेयर नेम फ्रॉम इनिग्मा और ई। और इस पे स्काउट भाई ने कुछ ये लिखा, नहीं पता कि वो सिर्फ न्यू प्लेयर्स के साथ ही बैन वाला ग्लिच होता है। तो गाइस स्नैक्स भाई ने इसी पे रिएक्शन देते अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे कुछ ये बोला, मैंने एक चीज नोटिस की यार, मतलब लास्ट 2-3 टूर्नामेंट्स में जितने भी लोग ये बैन हो रहे हैं, आईडीज वगैरह जो भी बैन होती है लाइव टूर्नामेंट में, सब बोलते हैं कि भाई नेटवर्क इश्यू होता है, कोई आईडी हैक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इस चक्कर में बैन मिला, एक्स वाई जेड रीजंस होते हैं। बट मैंने कभी ये रीजंस, ये सब इश्यूज है ना, इतने टाइम से अपन खेल रहे किसी भी नॉन प्लेयर के नहीं देखे मैंने, लाइक जो भी नॉन प्लेयर है, जो भी नॉन टीम है उनके साथ तो कभी हुआ नहीं, इतनी सारी नॉन टीम्स है, इतने सारे नॉन प्लेयर्स है, उनके साथ तो कभी होता नहीं। तो मेरा यही डाउट है कि सारे नए प्लेयर्स के साथ ही क्यों ऐसा होता है, मतलब क्या है ऐसा क्या मिथ है भाई, जो नए प्लेयर्स के साथ ही होता है उनकी आईडीज बैन होती है, उनकी आईडीज हैक होती है, उनकी आईडीज का नेटवर्क इशू होता है जिस वजह से आईडी बैन हो जाती है, पता नहीं क्या क्या होते रहता है। तुम लोगों ने भी ये नोटिस किया नहीं होगा बट अभी तक कोई नॉन प्लेयर ऐसा कोई बैन नहीं हुआ है भाई, देखो ना हमेशा नए प्लेयर रहते हमेशा। तो गाइस नियो भाई को कैसे भूल सकते हैं, कल जब वो लाइव आए तो पहले इसी पे बात की एंड ये पूरी क्लिप आप देखो। मतलब आई डोंट नो, पर वही गेम में कोई तो बैन भी हुआ था ना गाइस, हाँ चैट वही गेम में कोई तो बैन भी हुआ था आई गेस। ई टीम एनिग्मा, ई कौन है, ई के पॉइंट्स इतने नहीं थे आई गेस भाई, बट यार बहुत खराब चीज है भाई ये सब, मतलब हर बार फिर वो बोलेंगे कि वो नेटवर्क इशू, समझ रहे हो तुम मैं क्या बोल रहा हूँ, नेटवर्क इशू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हर बार फिर वो बोलेंगे वो लोग कि आज ये इशू हो गया, सारे नेटवर्क इशू अंडरडॉग के भाई। एग्जैक्टली मेरा मतलब मेरा बोलने का मेन वही है कि कोई नॉन टीम का क्यों नहीं होता, मतलब जैसे हम हो गए और RNT हो गई और जो नॉन टीम्स है तो वो टीम्स का क्यों नहीं होता। तो गाइस ये सब तो आई थिंक चलता रहेगा, हम देखते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग। तो टॉप 16 में सोल एंड TX ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो चुकी है एंड सैड फॉर जी क्योंकि वो बाहर हो चुके हैं टॉप 16 से भी एंड BNPS से भी। एंड गाइस जब वो लास्ट फाइट हो रही थी गॉडल वर्सेस सोल की तो उसकी वॉचिंग 153 के प्लस की गई थी, तो कल जब गॉडल को पॉइंट्स की नीड थी तब जेरी ने गॉडल को परफेक्ट प्लेस जोन में दिलाया था जिसपे कास्टर का कुछ ये रिएक्शन था। देखिए जेरी को मैं 100/100 अंक देना चाहूंगा, जिस प्रकार से उन्होंने वो रोटेशन करवाई है, जिस प्रकार से उन्होंने स्काउटिंग की है, बहुत 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 प्रिसाइज, बहुत एक्यूरेट। और जेली जो अब अपनी टीम को उस पोजीशन में लेकर के आए हैं, मात्र उनको डिफेंड करनी है वो पोजीशनिंग, अगला सर्कल भी उनके ऊपर बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो बस भाई आज वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।